नमस्कार मु केड सब इंस्पेक्टर अत्राय भंजनस आसमल जदि आपने वीडियो देखु चंती आई होप आपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम पई प्रिपेयर करु चंती नॉट ओनली सब इंस्पेक्टर नॉट ओनली फॉर सीपीएससी रादर ऑल अदर एग्जाम्स नाही जदि एग्जाम दो नांती जस्ट खाली इंटरेस्ट पई देखु चंती थैंक यू एनीवे पॉइंट को आसीबा मु कहिबी जदि आपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम पई प्रिपेयर करु चंती कोनोसी एग्जाम होउछि हो कोनोसी एग्जाम होउछि हो जानि रखंतु एटा गोटे युद्ध छोट युद्ध नाही बहुत बड़ युद्ध जो थे माने फ्रेशर्स आरंभ करके जहाँ को खंडा तले आसे नहीं ताठ आरंभ करके जहाँ को टिके टिके सीखी ताठ आरंभ करके बड़ बड़ घुड़सवार बड़ बड़ रथी महारथी था गोटे युद्ध को लड़ती कही दूचे मु कहार माने कि यही युद्ध रे माने यही जो प्रिपेरेसन कंपिटिशन अच्छी जो गवर्नमेंट एग्जाम जो कंपिटेटिव एग्जाम जो कंपिटिशन अच्छी से कंपिटिशन रे बहुत कैटेगरी एस्पिरेंट्स माने थांती ध्यान देके देखंतु टिके बेसी टाइम नेबे नि 4-5 मिनट नेबे टिके भलसे बुझि जंतु आपण जानि देबे आपण ठीक रास्ता रे अछंती कि नाही एंड आपण को कोन करले सिलेक्शन होबो थरे निजे को एनालिसिस करंतु शॉर्ट एनालिसिस रे एटा बहुत बडा इंपोर्टेंट चीज छ निजे को सेल्फ एनालिसिस करंतु तो सेल्फ एनालिसिस पे आपण जस्ट टिके गाइड करिवो देखंतु मु जदि एटा को कैटेगराइज कैटेगरी वाइज बांटि देबी तो इजी हेबा पई तीनटा कैटेगरी रे बांटि दउछि गोटे हो गले फ्रेशर्स कंप्लीटली फ्रेशर्स भाभी दियंतु मु आज जस्ट ग्रेजुएशन क्लियर माने ग्रेजुएशन कंप्लीट हला कि ग्रेजुएशन रो गोटे मु स्टूडेंट फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर पढ़ुची तो आई एम कंप्लीटली फ्रेशर नो माने मु केबे एग्जाम देनी माने पूरा फ्रेशर कंप्लीट एग्जाम रे जस्ट एंट्री कली ये गला कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 जो माने एंट्री करि चंती विदाउट एनी गाइडेंस गोटे दिन एग्जाम दे दी चंती जस्ट नुआ नुआ टिके जानिबा को माने पाउ चंती एग्जाम दी तीन देखिए जानी पारे कि हाँ इमती कंपिटन हो स्टिल भल से जानी ना कौन कमी प्रिपेयर करवा कहीं प्रपर गाइडेन्स मिली मत भी मिल ना कि बड़ कथ नहीं प्रपर गाइडेन्स मिलवाटा एत इजी न था यदि ठीक टाइम मिलगला ना यूल क्राक इट एंड ये सेकेंड कैटेगोरी एंड हो गला थर्ड कैटेगोरी थर्ड कैटेगोरी जो मैंने वेटरान वेटरान मैंने बुझे तो जो मैंने एग्जाम दे आसुंच तो आप सर एग्जाम दे आस मैंने कौन से माने जो माने निजरो एग्जाम देकी बारंबार फेलियर हे कि सेतु एक्सपीरियंस गेन करकी इमती स्ट्रांग हे कि अछंती से मानकु रथि महारथी कहबी बट स्टिल से माने भी सेम कंपटीशन रे अछंती आपन डरियार नै आपन जदि कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 हेछंती कैटेगरी 3 को डरियार नै कैटेगरी जदि 3 हेछंती आपनकु निजरो ओवर कॉन्फिडेंस को आनिबार नै मु समस्तक मै अलगा अलगा स्ट्रेटजी अलगा अलगा माइंडसेट कहि देबी ध्यान देकी सुनंतु जदि आपन कैटेगरी 1 हेछंती फ्रेशर मु कैटेगरी 2-3 मानों को कहूनी एवं कौन कैटेगरी 1 तापर कैटेगरी 2 कह कैटेगरी 3 कह समस्त अलग अलग माइंडसेट अलग अलग स्ट्रेटेजी बनेबार अच्छी आउ का एरिया रे माने एंट्री करें निजक जहाँ निजक फास्ट आइडेंटिफाई करते कि आप कौ कैटेगरी जाऊँच देन मुझे ध्यान में रखिकी पढ़ापढ़ी करेंगे जदि आप कैटेगरी 1 जाऊँच माने आप कम्प्लीटली फ्रेश माने आप प्लस 2 अच्छा प्लस 3 अच्छा फर्स्ट इयर सेकंड इयर थर्ड इयर एनी काइंड ऑफ ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट ग्रेजुएशन रे आपणकर पढ़ापढ़ी चली कि ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए कि जस्ट एवं कंपिटेटिव एग्जाम जो फील्ड अच्छी एंट्री करते तो आप फ्रेशर्स आपंकर काम कौन काम छाड़ दिंतु आप देखते आप सहित कंप्लीट कर सहित कंप्लीट करो मैंने अलरेडी एग्जाम दे आसुंच कैटेगोरी 2 एंड कैटेगोरी 3 सेम एग्जाम देवे आप भी आपंपाई भी सेम क्वेश्चन जोटा से मैंने क्वेश्चन हम आप सेम क्वेश्चन को मानने फेस करेंगे आपण को भी सेम टाइम फ्रेम मिल एग्जाम जोटा कि कैटेगरी 2 कैटेगरी 3 को मिल बट आप गोल्डन अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली जब आप फ्रेशर आप गोल्डन अपॉर्चुनिटी कौन पाई आप जोश भरी अच्छे फेलियर है ना फेल होना थे जब गुड़ बाजि देखिए टी पछक झटका बाजुता उठिक आसवाटा मैं गुड़ बाजला पर उठवाटा बहुत कष्ट हो जाए गुड़ बाजे गोल्डन अपॉर्चुनिटी अच्छी बिना गुड़ी क्लीयर करदे पलांतु एग्जाम क्लीयर हो तो आपण मु टास्क देवी फर्स्ट माने जो जो मु पाथ कौच से पाथ जातु एका थर एग्जाम क्लीयर कर खत्म अर्ली एज्रे जब गोटे पाई जातु मुझे चाहूँ भगवान को प्रेयर करती प्रिपेरेशन माने जो स्ट्राटेजी बन बन जाए से स्ट्राटेजी भिड गुड़ा देखते आपको बहुत सारा आईडिया मिल जाए कहीं से गुड़ा लंबा करने को चाहे जस्ट ब्रीफली कहीदेवि आप सिलेबस सहित भलसे एक्वेंटेड हो जातु कौन के पढ़वर देखी दिंतु मे बी मुझे अलग एक्सक्लूसीव भिड गोटे आनबी फ्रेशर्स मानों पर प्रिवियस ईयर क्वेश्चन गुड़ाक देखी दिंतु
देन आपण जारी रखंतु एंड माइंड रे सब वर्ड रखिथिबे कि घाइला बाघ भी आपण सहित कंपीट करछि। घाइला बाघ कि जानछन त वेटरन कैटेगरी 3 जो माने फेल हे ही अछंती 1 मार्क 2 मार्क हाफ मार्क 0.75 कम एत्ते कम मार्क रे जे कटिथिबो ना घाइला बाघ टू कम नै से तो हुशियार जदि आपण भल से पढु नांती तो से लेवल आसे कष्ट। मु आपण डरौनी आपण को डरेबार मो मकसद नै मु आपण को एवर करे दउछि कि आपण कहा सहित कंपीट करछन आपण कंपीटिटर किए आपण आपणकर कंपीटिटर से जे ऑलरेडी केते तरह एग्जाम फेस कर दै छि एंड डरंतुनी डरिवार नाही आपण बी विदाउट फेल रे एग्जाम क्लियर कर दै परबे। ये थिला कैटेगरी 1 पई देन आसेले कैटेगरी 2 आपण मिडिल पाथ रे छथि बहुत बढ़िया बढ़िया पोजिशन टिके एक्सपीरियंस अछि टिके जानि दै छथि कोन किमिति माहौल थाय एग्जाम हॉल रो टिके पढ़ि छथि टिके जानि नाथि अधा इग्नोर अछथि टिके जानि छथि माने आपण पाखरे जानिबार इच्छाटा अछि जदि नाही त मु किछ कहि परबिनी जानिबार इच्छा अछि तो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी ठीक से आगे देखी दिंतु मतलब कौन कौन करियर अच्छी गोटे प्लान बने दिंतु मतलब एटा 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 पढ़वार अच्छे सिलेबस गोटे चेकलिस्ट बनातु एटा 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 आसी सिलेबस रे देन गोटे गोटे कवर कर चलतु मोर एटा सरीगला एटा सरीगला एटा सरीगला एटा सरीगला सब्जेक्ट खाली कोनी गोटे सब्जेक्ट रे भी अगेन चेकलिस्ट बनेबे यदि इकोनॉमिक सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स रे चेकलिस्ट बनेबे ज्योग्राफी ज्योग्राफी रे भी चेकलिस्ट बनेबे एटा 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 सरीगला तो आपण जानि देबे गोटे सब्जेक्ट रे केतरा केते परसेंटेज आपण खतम हे गला एंते करे कि आपणकु सिलेबस कवर करियर अछि आपणकु सिलेबस कवर करियर अछि मु आपणकु कैटेगरी 2 रे रखि छी ता माने आपणकर 100% सिलेबस कवर हेइनी एंड प्रिपरेशन जर्नी हिसिंति थाय आपणकु टिक्के आ टिक्के परिश्रम कर देले क्लियर ओके। कैटेगरी 3 भाई माने भोणी माने ध्यान देकि सुनंतु मु एथि पई कहुनी एथि पई खाली आपणकु घाइला भाग कहुनी घाइला भाग बहुत डेंजरस सतरे बहुत डेंजरस एंड खाइला बाघ पाखे जितकी जुनून थाए जी शक्ति थाए ना टिके ट्राए करियो ना खाई देखी पलैब मैंने मुझे कहूनी फेलियर का लाइफ रे नहीं मो लाइफ रे बहुत फेलियर अच्छी गोटे लंबा भिडियो बन देवी मैंने गोटे मो लाइफ रे कौन कौन फेलियर देखी एंड जिते आप फेलियर देखिए ना से स्ट्रंग कैटेगरी 3 मैंने कैटेगरी 3 आपड़ी मुझे कहूँ आप बाकी कैटेगरी 2 बहुत स्ट्रंग कहीं आपण को किए के गाइड करना जब आप ये जर्नी स्टार्ट कले आपरे किए कि ना किए मेन्टर ना किए मे बी किसी हेल्प मिल ना एंड आप जो पोजिशन आज अच्छा ना आपज एक्सपीरियंस निज स्ट्राटेजी सेल्फ स्टडी अच्छा आए बस पढ़वार अच्छा टिके पढ़ीदे क्लीयर आपर कंपिटन क्या सहित ना ना कैटेगरी 1 सहित ना कैटेगरी 2 सहित आपंक कंपिटन से ही कैटेगरी 3 भाई मान सहित भाई भाई मान सहित जो मैंने आपण सहित से कैटेगरी अच्छा जो मैंने भेटरान अच्छा फाइन मुझे अर्थ वैकेंसी जेते नंबर रे बाहर सपोज 300 400 100 200 जेते भी नंबर वैकेंसी बाहर ला सही वैकेंसी पाई तीन टा जको कैटेगरी फाइट करिवे किंतु अलग अलग स्ट्रेटजी अलग अलग माइंडसेट नेबार अछि यदि कैटेगरी 1 कैटेगरी 3 बडे भाबिबो ना बैटल हारि जिवो यदि कैटेगरी 3 कैटेगरी 1 बडे भाबिबो बैटल हारि जिवो कहि दउ छी महारथी गुडा को अर्जुन भीम भळे महारथी यदि भाबिबे छोटो गुडा सैनिक सहित लागिबे किछ फायदा नै यदि छोट सैनिक भाव मुझे आपको उड़े देवी किसी फायदा ना तो मुझे जो माइंडसेट कहली जो स्ट्रेटेजी कहली सेम माइंडसेट सेम स्ट्रेटेजी रे एग्जाम क्लियर करता आप मेन टारगेट एग्जाम क्लियर करवा फाइन तो कंपटीशन कौन कमी अच्छी आपको एवेयर करदेली सहित एवेयर हो रुंतु सब दिमाग में रखुद मतलब कौटी जबार अच्छी मुझे ए लेवल अच्छी कि ए लेवल अच्छी कि ए लेवल अच्छी आमको जबार अच्छी ए लेवल दिस लेवल आप कैटेगरी 1 एति आपको लेवल चढ़ा पड़ो कैटेगरी 2 एतिकी लेवल कैटेगरी 3 छोट लेवलटा किंतु ए छोट लेवलटा बहुत कष्टकर हो जाए कहीं पेसेंस न थाए तो पेसेंस रखंतु पढ़ंतु एंड भगवान को प्रेयर करी आप जो भी कैटेगरी थाउजन था यही अटेम्प्ट जो कौन भी एग्जाम दौरान दिंतु से SSC हो OSSC हो RI एग्जाम CSI कौन SSC CGL FCI जहाँ भी एग्जाम अच्छे कि CPSC हो कौन भी एग्जाम दौरान दिंतु एग्जाम क्लीयर करेंगे टिके सीरीयसली 1, 2, 3, 4 मंथ 6 मंथ 8 मंथ पढ़ी दिखुद सीरीयसली मैंने आपको एग्जाम जिते ड्यूरेसन आप हाथ में अच्छे कहल जब कार मैसे 2 मास पर एग्जाम थी सीरीयसली पढ़ी दिखुद आउ टेंशन नेबार ना लाइफ थे पढ़ीदे हो गला कह बेस टाइम ने आई होप आपर हार्डवर्क जारी रखिथे एंड डीमोटिवेट हेनी कहीं डीमोटेसन जाहिर सी बात है इट्स अ नेचुरल जिनस
सतरे डीमोटिवेट हेबाटा बहुत नेचुरल जिनस समस्त हुए मुँह भी हुए समस्ते हमें केते बड़ बड़ रथी महारथी भी हमें केते बड़ बड़ मानते लीडर हमें केते बड़ बड़ एलिट पीपुल हमें मानते फ्रंट लाइन लीडर मैंने भी डीमोटिवेट हमें इट्स कंप्लीट ए पार्ट ऑफ लाइफ तो ये डिपेंड कर डीमोटिवेशन फेस टाक कमी फेस कर मानते ओवरकम कर तरीका आसन हो गला यू आर ए सक्सेसफुल पर्सन जदि आसुनी देन से फेस टाक ओवरकम कर शिखा तक आप फेज रही बेस टाइम ने पढ़ापढ़ जारी रखि था किसी भी डाउट किसी भी असुविधा होगी कमेंट सेक्शन में बतातु कहीं सिलेबस कौन अच्छे तो अलरेडी जानते हैं मु मैंने बहुत जन कही सारे सिलेबस गोटे भिड बनइबी कि टाइम हो पार नहीं सिलेबस देखिए बहुत इजी सिलेबस कवर करवा आप फर्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग सिलेबस कवर करते सिलेबस कवर हो गला 90% काम सरला जार जार सिलेबस कवर हो जाए मतलब कमेंट सेक्शन में बतातु मुझे कमेंट को वेट करी मुझे जानवि कि कत सिलेबस कवर हो सारी एंड नेक्स्ट स्टेप मुझे कहीदेवी जहाँ जहाँ सिलेबस कवर हो जाए मतलब थोड़े कहुत कैटेगरी वन था कैटेगरी टू था कि कैटेगरी थ्री था सिलेबस जार जार कम्प्लीटली कवर हो जाए आपको फिल हो कि मो सिलेबस कवर हो गला प्लीज कमेंट सेक्शन में बतातु बस ये कहि बहुत टाइम हो गला रखुची रही मुझ धन्यवाद जय हिंद जय भारत।